नमस्कार, मैं अंसारुल हक। मोतिहारी शहर इन दिनों रेड क्रॉस चुनाव के गहमा गहमी से पटा पड़ा है और शहर में तमाम होर्डिंग पोस्टर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यह चुनाव कितना दिलचस्प हो गया है। सेवा भावना के लिए कितनी तादाद में लोग रेड क्रॉस जैसी संस्था में आने को आतुर हैं, ये तमाम सिचुएशंस बयां कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच 12 तारीख को यानी परसों चुनाव होना है और चुनाव से पहले प्रशासन द्वारा पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन इस रेड क्रॉस के चुनाव में किस तरह से वोटिंग करनी है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं और प्रशासनिक स्तर पे क्या कुछ तैयारियां हैं, ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वक्त हम आए हैं जो निर्वाची पदाधिकारी हैं और मोतिहारी सदर SDO सौरव सुमन यादव जी के पास इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका SDO न्यूज़ पर। रेड क्रॉस चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, रेड क्रॉस का जो निर्वाचन है वो 15 सदस्यों के लिए 12 तारीख को उसके लिए मतदान होना है, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक। और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसका मतदान केंद्र महावीर राजकीय मध्य विद्यालय लुटहा, इसका मतदान केंद्र है और वहाँ पर उस स्कूल में 10 केंद्र बनाए गए हैं। उन केंद्रों पर पूरी तरीके से तैयारी चल रही है और जो पोलिंग के लिए मटेरियल जो चाहिए, मतपत्र है, वो सब भी तैयारी चल रही है। सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। और एक बात बताना जरूरी है कि उस दिन जो मतदान होगा तो मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 के तहत निदेशाज्ञा लागू रहेगी और जगह जगह पर फोर्स मजिस्ट्रेट और बहुत ही पुख्ता सिक्योरिटी का वहाँ डिप्यूटेशन रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग इस चुनाव को कराने के लिए तैयारी की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सर, ये चुनाव थोड़ा सा तैयारी तो हालांकि वैसे ही आम चुनाव में जैसी होती है, वो इस तरह से प्रशासन की नज़र आती है, लेकिन ये चुनाव थोड़ा हट करके है। यहाँ पे एक वोटर जो होंगे उनको 15 वोट करने हैं, 15 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो ये बैलेट पेपर से होगा। तो इसमें तकनीकी चीज़ें क्या लोगों को ख्याल करने की ज़रूरत है कि उनका वोट जो है बोगस ना हो और सही जगह पे जाए? देखिए, इसमें जो 63 जो वैलिड नॉमिनेशंस हमें पाए गए थे, उन कैंडिडेट्स की सूची बना ली गई है और उसका सूची को हमने पब्लिश भी कर दिया है। तो जो वोटर्स हैं वो इस सूची को देख सकते हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं। और जहाँ तक कैंडिडेट्स को वोट देने की बात है, उसमें 15 सदस्यों के लिए निर्वाचन ये हो रहा है, तो 15 मत तक वो दे सकते हैं वोट देने के लिए। जिनको भी नाम को वोट देना चाहते हैं उसके सामने वो क्रॉस करके निशान लगाना है, एक क्रॉस का निशान लगाना है। क्रॉस का या टिक का साइन का निशान क्या हो? सिर्फ क्रॉस वैलिड होगा। क्रॉस के अलावा और कोई निशान रहेगा या सिग्नेचर रहेगा तो वो अवैध मान लिया जाएगा। और अगर 15 से ज़्यादा वोट किसी बैलेट पे रहते हैं तो भी उस बैलेट पेपर को हम लोग इनवैलिड मान लेंगे। तो वोट देने के लिए मतदाताओं को अपना 15 नाम तक वो चुन सकते हैं और जिस भी नाम को चुन रहे हैं उसके सामने हम कलम उनको प्रोवाइड करेंगे। हमारे द्वारा दिए गए हुए कलम से ही वो क्रॉस मार्क लगाएंगे और उसको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देना है। जी, आपने बताया कि सर 15 से ज़्यादा जो है नाम अगर वो चूज करते हैं या टिक उस पर करते हैं, क्रॉस निशान लगाते हैं, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। 15 से कम अगर होंगे तो? 15 से कम अगर मत कोई करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जितने मत वो देंगे उसकी गणना की जाएगी। वोटिंग का जो है शेड्यूल क्या तय किया गया है, कितने बजे से वोटर्स आएंगे और कब तक दे सकते हैं? जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश है, पहले नोटिफिकेशन निकला है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान का समय है। उसमें 4 बजे जितने भी वोटर्स उस कैंपस में रहेंगे उसको कैंपस को हम लोग बंद कर देंगे और उनका मतदान प्रक्रिया पूरा करा लिया जाएगा। तो उसकी कोई समय नहीं है, लेकिन 4 बजे के बाद कोई भी मतदाता उस केंद्र के अंदर, जो स्कूल है उसके अंदर, उनको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। 4 बजे तक जो लोग आ जाएंगे वो लोग मतदान कर सकेंगे। काउंटिंग के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? काउंटिंग कब होनी है? काउंटिंग 15 तारीख को काउंटिंग की तिथि निर्धारित है और उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ
काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, वीडियोग्राफर रहेंगे और जो कैंडिडेट्स हैं वो स्वयं वहाँ मौजूद रह के काउंटिंग को देख सकते हैं और जैसे जैसे काउंटिंग होगा उसमें मतों की जानकारी भी हम लोग कैंडिडेट्स के साथ शेयर करते रहेंगे। तो पूरी तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटिंग और काउंटिंग दोनों कराने का हमारा तैयारी चल रहा है। एक ये देखा जा रहा है इस चुनाव में सर कि पैनल बने हुए हैं, 3-4 पैनल हैं जो पैनल में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या पैनल का वोटिंग में भी कुछ इम्पोर्टेंस है? देखिए पैनल जहाँ तक हमारे निर्वाचन का सवाल है, हम इसमें कोई पैनल का कोई रिकॉग्निशन नहीं है। हमारे लिए यहाँ 63 इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं और जो मतदाता हैं वो 63 में से किसी को भी 15 लोगों तक अपना वोट दे सकते हैं। तो जहाँ तक हमारा भी अंडरस्टैंडिंग है और वोटर से भी हमारी यही अपील रहेगी कि आपको जिनको वोट देना है इसमें कोई पैनल के कोई रिकॉग्निशन नहीं है और ना ही किसी की कोई बाध्यता है किसी पैनल को, किसी व्यक्ति को। वो अपने फ्री और फेयर और अपने इंडिपेंडेंस से जिनको इच्छा है वो किसी को भी, एक व्यक्ति से लेकर 15 व्यक्ति तक को अपना वोट वो दे सकते हैं। रिजल्ट आएंगे सर, 15 सदस्यों का चयन हुआ, इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस सभापति वगैरह का चुनाव के लिए वो क्या कुछ कैसे करना है? नहीं, अभी तक जो हमें निर्देश प्राप्त है वो सिर्फ 15 सदस्यों का निर्वाचन का निर्देश है। आगे जैसे निर्देश हमें मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग उसकी कार्रवाई करेंगे। एक सवाल सर आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि हालांकि ये अब तो वाजे हो चुका है लेकिन फिर भी आपकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे कि जो पहले जो वोटर्स थे और जो नए बने वोटर्स हैं, तो ये कई तरह की खबरें भी लोग बीच में अफवाह फैला रहे हैं कि जो नए वोटर्स बने हैं वो वोटिंग राइट्स नहीं रखते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए हमारे कार्यालय के द्वारा एक ड्राफ्ट वोटर रोल पब्लिश किया गया था और उसके बाद उसमें दावा पत्ती के लिया गया, उसका निराकरण करके एक फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया गया है जो फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स है। तो उस वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है सब लोग मतदान कर सकेंगे। एक सर आपका आपसे व्यक्तिगत एक सवाल मैं जानना चूँकि आप खुद एक IAS ऑफिसर हैं और अनकरीब जो है आप एक नई भूमिका में नज़र आएंगे, ऐसा हम लोग कामना करते हैं आपके लिए। रेड क्रॉस जैसी संस्था में कैसे व्यक्तियों का चुनाव हो करना चाहिए, जो वोटर्स हैं उनके लिए आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें? देखिए इसमें हमारा कोई सजेशन नहीं है, वोटर्स अपनी बुद्धि विवेक से अपनी इच्छा से जिनको वोट देना चाहते हैं वो वोट देंगे। डेमोक्रेसी का यही ब्यूटी है कि जो लोग जिनको चाहते हैं वो लोग इसमें विजयी होंगे। जी अगर कुछ गड़बड़ी करते हुए वहाँ लोग पाए जाएंगे तो फिर उनके साथ किस तरह के मामला होंगे? देखिए विभिन्न वहाँ पर हमने पहले भी बताया सेक्शन 144 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स वहाँ जारी किए जा रहे हैं। उसके अलावा भी हमने कैंडिडेट्स को भी डायरेक्शन दे दिया है, कल उनकी ब्रीफिंग हुई थी कि उस इलेक्शन के दिन, निर्वाचन के दिन किसी भी तरह का कैनवेसिंग, कैंपेनिंग, वोटरों को इन्फ्लुएंस करने का, इंटिमिडेट करने का अगर कोई भी प्रयास किया जाएगा तो उनको विभिन्न जो प्रोविजंस हैं, विभिन्न धाराएं हैं उनके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी को कोई कंप्लेन हो, आइदर वोटर्स हो आइदर कैंडिडेट हो, तो उनको क्या करना है? वहाँ पर सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट फोर्स की प्रतिनियुक्ति रहेगी, उनसे शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद अनुमंडल स्तर पे एक कंट्रोल रूम रहेगा, वहाँ पर उसके नंबर हम लोग शीघ्र जारी कर देंगे, वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सदर SDO, सदर SDPO इनके मोबाइल नंबर पर भी फ़ोन करके वो सूचना दे सकते हैं, तो हम लोग उसका तुरंत निराकरण करा लेंगे। आखिरी सवाल सर, बतौर निर्वाची पदाधिकारी 3639 जो रेड क्रॉस के वोटर्स हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या है? हमारा उनसे यही अनुरोध रहेगा सभी मतदाता से कि भारी संख्या में आए, अपने मतों का जो अधिकार है उनका उसका प्रयोग करें और सुबह गर्मी का दिन है, सुबह जल्दी आके जितना जल्दी हो सके आके अपने वोट कर लें और उनके कोई भी तरह की परेशानी होगी हम उसको एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो नियम है उनका पालन करें, किसी भी तरह की कोई काम नहीं करें जिससे कि उन पर कोई एक्शन हो जाए। तो अनुरोध यही रहेगा कि भारी संख्या में आइए, अपने मतों का प्रयोग कीजिए और हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दर्शकों ये थे सौरभ सुमन यादव जी, निर्वाची पदाधिकारी और सदर SDM मोतिहारी, जिनसे हम रेड क्रॉस चुनाव को लेकर के क्या प्रशासनिक स्तर पर तैयारियाँ हैं और
क्या तकनीकी चीज़ें हैं, कैसे लोग मतदान करेंगे, तमाम मुद्दों पे जो है इनसे बात हो रही थी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।